हेलो, सलाम वालेकुम जी। जी वालिक सलाम डॉक्टर, क्या हाल है? ठीक बिल्कुल हो? ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? काशफ अली अर्ज कर रहा हूँ, कादरी गुजरात से। पहले जी मेरी जान, कादरी साहब फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपसे मेरी बात हुई। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जो ये सब अल्लाह के, हाँ अल्लाह ने जी, जो तो, आपकी मुस्कुराहट है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं जी मेरी ना गाय है, उसे जी? गिफ्ट किया मेरे ससुराल वालों ने ना, तो वो गाय ससुराल ना वालों ने? जी ससुराल की तरह आपके, मैं बुरे पे बड़ा पर्सनल सा सवाल आ गया है। मेरे ससुराल सियालकोट में हैं। सियालकोट वाले, इसका मतलब है काफी फराख दिल साबित हो रहे हैं। वैसे भी कहते हैं तोहफों का लेन देन जो होता है ना, वो मोहब्बत बढ़ाता है, इसको मोहब्बत बढ़ती है ऐसे, माशाल्लाह। जी मैं तकरीबन 2 साल से, पिछले 2 साल से मैंने जानवर नहीं भी रखे होते, लेकिन फिर भी आपका जो ना वो यूट्यूब पे आपका एक वो तरह का प्रोग्राम। कादरी साहब, कई लोग जो हैं वो इसलिए भी देखते हैं कि चलो उनको हदीस मिल जाती है। लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये जो आप मुस्कुराते हैं, अल्लाह यकीन अकबर मानिए दिल छेद लेता है आपके सामने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाए क्या आप पूछना क्या चाहते हैं, फरमाए पूछे। जी मेरी ना गाय है, तकरीबन पिछले 4 तारीख को सोई थी वो। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी, बच्ची दी है उसने, है मुबारक हो माशाल्लाह। ना हाँ मुबारक। हाँ हाँ, जी 20-25 को ये बन भी गई है। अच्छा, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी चीज है, 3 महीने के अंदर बन जाए ना, दैट मीन्स के इट्स वेरी नाइस, अच्छी ब्रीड है और बहुत अच्छा, माशाल्लाह मुबारक हो। अच्छा वेरी गुड। अच्छा 25 तारीख को बनी है, लेकिन मैंने ना इसका दूध बहुत कम था, पहला नया ना ये, तो हाँ, फ्रीजिंग और ये ग्रास में आया क्रॉस था, है। शायद हनी अच्छा ग्रास में। अच्छा तो अभी है 2 साल की, तकरीबन हाँ, दो अच्छा ढाई साल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ और जी इसका बहुत काम था, खवाना भी से नहीं बनाया, हमारे से खिदमत नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, ये अगले सू में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी और बढ़ेगा इसका आवाना भी इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी तो मैंने ना, हमारे इधर डॉक्टर साहब है जो सरकारी अस्पताल में, जी, उनसे मैंने मशवरा किया था, तो उन्होंने मुझे एक वो मिनरल का डब्बा, एक किलो ठीक का, फैट होती है बाईपास फैट, जो पीले कलर के दाने दाने होते हैं, जी, वो 1 किलो, और 1 किलो स्टामिक, आधा किलो स्टामिक पाउडर ठीक और आधा किलो मीठा सोडा। ठीक मुझे कहा था कि इनकी 10 खुराकें बना लेनी है, रोज की एक खुराक देनी है, ठीक लेकिन उससे पहले मैंने जो है ना इनको कीड़ों वाली दवाई दी है, पेट अच्छा साफ करने के लिए। हो सकता है वो कहते हैं कि आपकी जो गुजार जो आप दे रहे हैं, हाँ खल वंडा भी हम दे रहे हैं, वो ना लगती हो, इसके वजह ये कि हो सकता है कि पेट में कीड़े हों, तो ठीक वो मैंने दी है 2 दिन पहले। बाद में फिर मैंने वो जो उन्होंने बताया था, वो फास्ट फूड और जो हाँ स्टॉमिक पाउडर, वो मैंने देना शुरू किया। अब इसका दूध जो है ना, ये बिल्कुल पतला है, और जब गर्म करते हैं ना, वो बर्तन जो नीचे वाला वो भी स्याह हो जाता है, और अच्छा इसका जो सुरख हो जाता है बिल्कुल, जैसे चाय नहीं पकी होती, हाँ जी, वो हो जाता है। नहीं वो तो है, लेकिन कादरी साहब एक मेरी अर्ज ये है कि जब भी कोई हम गुजरात में कहते हैं नवी होई गां, जब नवी होवे ना, जब नए दूध हो, तो उस वक्त याद रखें पहला महीना और आखिरी महीना ये बड़ा क्रिटिकल होता है, इसमें डीवर्मिंग नहीं करते, नहीं करनी चाहिए पहले महीने में और आखिरी महीने में। ये मतलब ये मैं पता नहीं था बार ना, मैं जी ये पता नहीं था ना सर। नहीं मेरी जान, आप प्रोग्राम मेरे जब देखते रहेंगे ना सारे, जी तो इनमें मैं गुजारिशात करता रहता हूँ, और ये मेरी गुजारिश हमेशा से रही है कि पहला महीना और आखिरी महीना ये बड़ा क्रिटिकल होता है, किसी के कहने पे ना टीका लगवाना है कोई, ना इसको कोई ये ताकत वाली, बेशक टीके लगाएं, ताकत वाली चीजें दें, लेकिन आपने डी वर्मिंग हो गई या कोई और एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो गए, वो कभी भी नेवर नेवर लगवाना, ठीक है नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जी? लेकिन बिस्मिल्लाह। सर आपको जो है, आप इसका क्या हो सकता
अब मेरी जान मैं अभी बताता हूं, अगर आप फिक्र ना करें, अब ये है कि इसके लिए बेस्ट ये है कि इसकी खुराक जो है ना, उसमें ये जो उन्होंने कहा जी ये फार्मूले दिए हैं ये सारा कुछ, पहले तो ये है कि इसको वंडा जो है ना वो जी मतवाजन वंडा बना के दे। मतवाजन वंडा वो होता है जिसमें सारी चीजें डली हुई होती हैं, जिसमें हर चीज उसमें यानी खले भी होती हैं, उसमें जो सनती मसनूआत होती हैं वो भी होती हैं, गल्ला जात में से, गल्ला आपकी मंडी है ना, गल्ला मंडी गुजरात में, वो वहां से यानी गल्ला होता है, मकई है, गंदम है, ज्वार है, जौ है, ये सारी चीजें ये भी डाली होती हैं, गन्ने का शीरा भी उसमें शीरा, होता है, खाने वाला शीरा राब, नमक, नारचीरा राब, वेरी गुड, ये और राब की वीडियो सुन सुन के ये मैंने पका ली इस चीज को। बस वो आप देखते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आप कादरी साहब इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका मेरी भी इज्जत रखेगा और इसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और दूध बढ़ेगा ना, तो गुजरात में जनाब मैं कहता हूं आप मुझे भी दुआएं देंगे और सियालकोट वालों को तो खैर आपने देनी देनी है। तो ये मेरी जान, उसको मुकम्मल गजा के तौर पे मैंने जो देसी या सस्ते वंडे बनाने के फार्मूले दिए हुए हैं, सस्ता सा वंडा खुद बना लें, और इसको अगर कितने लीटर दे रही है दूध, दो ढाई तो थोड़ा है ना, चलें इसका मतलब है उसको भी डाल के 5-6 किलो कर लें, 5 किलो भी हो 6 किलो, तो 2 किलो तो वंडा इसका हक बनता है, तो 2 किलो वंडा इसको देना है, वंडा पूरा सही बना ले, वो सस्ते वंडे प्रोग्राम मेरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें से मिल जाएगा, अगर कहेंगे तो अभी कहें तो मैं अभी भी लिखवा देता हूँ, दो जानवरों का जो वंडा है सस्ता वंडा वो उसका फार्मूला दे देता हूँ, आप लिख लें, लिख लें, मैंने आपके वो सर्च किया हुआ, मैंने वो आपके बंदे वेरी गुड, उसमें से वो सस्ता आपके वंडा, बंदे सुन। हाँ सस्ता वंडा उधर से ले लें और वो वंडा बना लें और इसको 100 ग्राम इसके अंदर रोजाना डीसीपी पाउडर, डीसीपी पाउडर या निटाफास मिल जाएगा वो ज्यादा बेहतर है, 100 ग्राम निटाफास इसको डाल के ना वंडे में वो डाल के देंगे तो आप देखेंगे दूध इसका बेहतरीन हो जाएगा, और दूसरा जब खल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे दूध को जो शिकायत है ना आपको पतला होता है उसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा जब उसको खल बिनोला वगैरह देंगे, नहीं नहीं ये मैं किसी की दुकानदारी पे तो नहीं ना टांग मार सकता, नहीं मेरी जान, मेरी जान दो चीजें हैं ना, एक होता है एक बाहर होटल से मंगवा लेते हैं सालन खाना, एक होता है घर में बनाना, तो घर में जो बनाते हैं घर वाले आपका जो बनाते हैं वो आपको पता होता है कि इसमें टमाटर है, इसमें प्याज डाला है, इसमें फलां फलां चीज डाली हुई है, तो वो आपको एक तसल्ली होती है, और होटल से लाएं तो वो तो होटल के रहम करम पे होता है ना, मैं बल्कि गुजरात में खाता रहा हूँ रोटी, तो खाना खाता रहा हूँ, तो जब मैं खाना खाता था तो यकीन करें मैं जिस होटल से खाना खाता था रेस्टोरेंट से, वो रेस्टोरेंट वाले अपने घर से मंगवाते थे खाना वो खाते थे। ये आप देख लेना, ये मैं हाँ आम आम जो है ना ये आम तजर्बे की बात कर रहा हूं। हाँ जी जी उसकी भी कमर पे ना, वो उसके कानों पे कमर पे ये एलर्जी का खारिश का प्रॉब्लम हो गया। खारिश का प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए यही है कि इसको एक नंबर वन
एक करें कि इसको एक जेरे जिल्द टीका लगा दें, वो एक लिखें आइवोटेक, आइवोटेक, टैक्स नहीं। हाँ वेरी गुड, आईवो, IVO, TEC, आइवोटेक। हाँ अगर आइवोटेक ना मिले तो एक और मिलेगा, उसको कहते हैं वो वर्मेक, मैक्स वर्मेक, ठीक है। WORMEC, आइवोटेक है, IVOTEC। एक और मिलेगा, ये ना मिले दोनों, एक आईवो मैक भी मिलता है, IVOMEC, 2%। ठीक है, वो इसको वजन के हिसाब से होता है, वो लेके इसके जेरे जिल्द, थोड़ी सी जिल्द को उठाना है उसमें लगा देना है। उसके साथ ये होगा कि इसके जितने भी एंडो एक्टो पैरासाइट्स हैं जो इसको खारिज के पे मजबूर कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा। अच्छा मेरी सुन ले ना, इसकी डीवर्मिंग भी भले करा दें, एंडो प्लस से, एंडो प्लस, ये छोटे को 10 10 ml ही पिला देंगे ना, तो पहले गुड़ वगैरह खिला के 10 ml ये एंडो प्लस से करा दें इसकी, तो आप डीवर्मिंग हो जाएगी, इसके बाल भी और वो ठीक रहेंगे। और दूसरा ये है, जो जहां पे वो खारे कान में अगर को खारिश है, वो जगह खुरदरी सी हो गई है, तो सरसों का तेल उसमें थोड़ा सा सल्फर मिला लें। हाँ जी, ये जो सरसों का तेल और सरसों का तेल और उसके अंदर थोड़ी सी सल्फर मिला के वो आप उस पे करें, लगाएं। और आजकल अगर सल्फर नहीं कोई इस तरह की चीज, तो वैसे खारिश के लिए बेस्ट जो होता है ना, जानवरों को अगर खारिश हो जाए, और देसी बता रहा हूं चीज, चीड़ का तेल ले लेते हैं, ये मिला लेते हैं, चीड़ का तेल 100 ml लिया, ये बना के रख लें, इसी तरह लीमू का रस उसमें 100 ml डाल लेते हैं, और चमेली का तेल वो भी 100 ml डाल लेते हैं, ये मुतासरा हिस्से पे इसको लगाते हैं, मालिश कर देते हैं, और सुबह डिटॉल में मिला के ना पानी से उससे धो देते हैं, या आप देखेंगे उसकी खारिश खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है मेरी जान, दुआओं में याद रखना है, दुआओं में याद रखना है। और गुजरात शहर से बोल रहे हैं ना? अच्छा कौन सा वाला? अच्छा मंगोवाल गरबी, चौधरी एतजाज आसन वाला, चौधरी एतजाज आसन वाला ही है ना? हाँ ठीक, समझ गया समझ गया। बिस्मिल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे ग्रामी है, भूखे को खाना खिलाओ और बीमार की मजाज पुरसी और देखभाल करो और कैदी को रिहाई दिलाओ। ये बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें, फीमा अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।